CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम हाथों की बात। आलेख बालकराम नागर का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। बच्चों, हाथों से हर रोज हम तरह तरह के खेल खेलते हैं। बीच की उंगली और अंगूठे से चुटकी बजाते हैं। भला कैसे? ऐसे। अच्छा, तुम भी चुटकियां बजाकर दिखाओ। हाँ, शाबाश। और अब हमारी ये बातें सुन रहे कक्षा के सारे बच्चे चुटकियां बजाएं। शाबाश। अच्छा बच्चों, चुटकियों से तालियों पर आ जाओ। पहले मैं ताली बजा रहा हूं। अच्छा, अब तुम तालियां बजाओ। शाबाश। और अब ये बातें सुन रही सारी कक्षा तालियां बजाए। बस बस बस। अच्छा बच्चों, दो दोस्त मिलते हैं तो आपस में हाथ मिलाते हैं। दोस्ती खूब पक्की हो तो हाथ खूब जोर से मिलाते हैं और उन पक्के दोस्तों के हाथ मिलने की आवाज इस तरह होती है। हाथ से पीठ ठोकने या थपथपाने की भी आवाज आती है। कैसे भला? ऐसे। जरा खुद ही अपनी पीठ थपथपाओ। और अब हमारी बातें सुन रहे कक्षा के सारे बच्चे अपनी अपनी पीठ थपथपाएं। शाबाश शाबाश। ठीक है। अच्छा बच्चों, इस समय हाथ कह रहे हैं शाबाश शाबाश। अरे 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 अरे, ये मक्खी कहां से आकर नाक पर बैठ गई? उड़ा दो इसे हाथ हिलाकर। और भला मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हें इस तरह हाथों की उंगलियां चटकाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि ये कोई अच्छी आदत नहीं है। वैसे हाथों के नाखून दांतों से कुतरते रहना, सबके सामने हाथ से इधर उधर खुजाते रहना, हाथ की उंगली कभी कान में कभी नाक में डालते रहना बड़ी अच्छी आदत है ना? बोलो, हाथ के नाखून दांतों से कुतरना, सबके सामने हाथ की उंगली नाक और कान में डालते रहना अच्छी आदत है या बुरी? बुरी। अच्छा बच्चों, हाथों से एक काम तुमने और भी किया होगा। भला क्या? थप्पड़ मारने का। अच्छा ये बताओ, किसी के तड़ा तड़ तमाचा जड़ा है तुमने या अभी तक तमाचे खाते ही रहे हो? खाते ही रहे हैं। अच्छा ये बताओ, थप्पड़ खाना ज्यादा मजेदार होता है या पीठ पर घूंसा खाना? घूंसा खाना।
अच्छा तो अब किसके मुंह पर जड़े गर्मा गर्म तमाचा? हाँ, ये तबला ठीक रहेगा। लेकिन भाई, तबला थप्पड़ या तमाचा खाने के लिए नहीं बनाया गया है। जो तबला बजाना जानता है उसके हाथ तबले पर थिरकते हैं, नाचते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ पांव नाचते ही रहते हैं, दो मिनट चुपचाप टिककर नहीं बैठ सकते। किसी के घर जाएंगे तो कभी कोई चीज छुएंगे, कभी कोई चीज उलट पुलट कर देखेंगे, हमेशा हाथ पांव हिलाते रहेंगे। और कुछ माई के लाल तो ऐसे होते हैं जो हाथ पांव हिलाते ही नहीं। ऐसे लोगों से कहना पड़ता है, अरे भाई कुछ काम धाम करो, हाथ पांव चलाओ। तुम तो चाहते हो कि रोटी का टुकड़ा भी अपने हाथ से ना तोड़े, वो भी कोई तोड़कर तुम्हारे मुंह में डालता जाए। ऐसे आलसी को कोई नहीं पूछता जो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। तुमने वो कहानी सुनी होगी, बरसात का मौसम आने से पहले चींटियां अपना खाना इकट्ठा करके अपने अपने बिलों में रख रही थीं। इन चींटियों के बिल के पास ही रहता था एक टिड्डा। कौन रहता था? टिड्डा। हाँ, हरा हरा लंबी लंबी बारीक टांगों वाला कीड़ा। चींटियों ने टिड्डे से कहा, तुम भी खाना इकट्ठा कर लो। पर सुस्त टिड्डे ने एक न सुनी, चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। कैसे बैठा रहा? हाथ पर हाथ धरे। किस पर क्या धरे? हाथ पर हाथ धरे। हाँ, तो बस बूंदाबांदी शुरू हो गई, मगर टिड्डा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। फिर जोर से मूसलाधार वर्षा होने लगी। मगर टिड्डा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। और फिर पड़ने लगे ओले, गिरने लगे आसमान से छोटे छोटे बर्फ के गोले, मगर टिड्डा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। हाँ, और फिर वो बैठा ही रह गया, फिर कभी नहीं उड़ा बेचारा टिड्डा। लेकिन बरसात के उसी मौसम में एक दूसरी तस्वीर भी दिखाई दी। वो तस्वीर थी हलवाई की दुकान की। हलवाई की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। वो हलवाई एक कड़ाही में गर्मा गर्म जलेबी तल रहा था और दूसरी कड़ाही में गर्मा गर्म पकौड़ी। देखते ही देखते सारी जलेबियां बिक गईं। एक ने ली, दूसरे ने ली, तीसरे ने ली, सब हाथों हाथ बिक गईं। जलेबियां कैसे बिक गईं? हाथों हाथ। इसी तरह देखते ही देखते सारी पकौड़ियां बिक गईं। पकौड़ियां कैसे बिक गईं? हाथों हाथ। क्या चीज हाथों हाथ बिक गई?
जलेबी और पकौड़ी। ये बात है तो मिलकर बोलो, बिकी जलेबी हाथों हाथ, बिकी पकौड़ी हाथों हाथ। अच्छा बच्चों, अब मैं तुम्हें दुनिया का सबसे कठिन काम करने के लिए कह रहा हूं। भला क्या? एक हाथ से ताली बजाओ। बजाओ? एक हाथ से ताली बजाओ? नहीं बजती। नहीं बजती? हाँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती। उसे बजाने के लिए कितने हाथ चाहिए? दो। हाँ, दो हाथ टकराएंगे तभी ताली बजेगी। कोई अकेला अपने आप से झगड़ा मोल नहीं ले सकता। झगड़ा करने में भी दो आदमी चाहिए। दो आदमियों में लड़ाई तभी होगी जब दोनों लड़ना चाहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। मगर भाई, इस समय हम लड़ाई झगड़े की बात क्यों करें? हम तो दो हाथों से ताली खुश होने के लिए बजाते हैं, गाने के लिए बजाते हैं। कैसे? हाँ, शाबाश। बजे न ताली एक हाथ से, एक हाथ से बजे न ताली। बजे न ताली एक हाथ से, एक हाथ से बजे न ताली। दो हाथों से बजती ताली एक हाथ से बजे न ताली। दो हाथों से बजती ताली एक हाथ से बजे न ताली। बजे न ताली एक हाथ से, एक हाथ से बजे न ताली। बजे न ताली एक हाथ से, एक हाथ से बजे न ताली। दो हाथों से बजती ताली एक हाथ से बजे न ताली। दो हाथों से बजती ताली एक हाथ से बजे न ताली। बजे न ताली एक हाथ से, एक हाथ से बजे न ताली। बजे न ताली बजती ताली एक हाथ से बजे न ताली। दो हाथों से बजती ताली एक हाथ से बजे न ताली। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।